दोस्तों, वैसे तो हर किसी के जीवन में कोई ना कोई परेशानियाँ जरूर होती है, लेकिन दुख तब होता है जब ये परेशानी जल्दी समाप्त होने की बजाय बहुत लंबी खिंच जाती है। ऐसे में इन परेशानियों की वजह से हमारा मूड भी ऑफ रहता है। कई बार तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये डिप्रेशन ना सिर्फ हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इससे हमारा काम पर भी फोकस कम हो जाता है। यदि आप भी इस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो टेंशन ना लीजिए। आज हम आपको एक ऐसा अनोखा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे आजमाने के बाद आपकी लाइफ की सभी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में जब भी कोई पूजा पाठ या हवन किया जाता है तो कपूर का इस्तेमाल जरूर होता है। यहाँ तक कि जब भी भगवान की आरती उतारी जाती है तो थाले में बाजू में कपूर भी जला दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कपूर में कई सारी शक्तियाँ होती है। जब आप इसे जलाते हैं तो इससे निकला धुआं घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देता है। कपूर को एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाला पदार्थ माना जाता है। यही वजह है कि हर तरह की पूजा अर्चना में इसका उपयोग जरूर होता है। आपके जीवन की परेशानियों का हल भी इस कपूर में छिपा है। हालांकि इसका इस्तेमाल थोड़ा अलग तरीके से होगा। इस उपाय के लिए आपको कपूर के साथ साथ नारियल की भी आवश्यकता होगी। नारियल, जिसे कई लोग श्रीफल भी कहते हैं, हर तरह की पूजा पाठ में चढ़ाया जाता है। जब कलश बनाया जाता है तब नारियल को ही तांबे के पात्र के ऊपर रखा जाता है। इस तरह यह भी कपूर की तरह काफ़ी जरूरी सामग्री है। तो चलिए जानते हैं कि आपको कपूर और नारियल का ये उपाय कैसे और किस विधि से करना होगा। सबसे पहले तो बाजार से कपूर और नारियल ले आए। अब एक तांबे का पात्र ले और उसमें साफ जल भर दे। इसके ऊपर नारियल रख दे और साइड में पांच आम के पत्ते तांबे के पात्र और नारियल के बीच में फंसा दे। अब इस कलश को गणेश जी की प्रतिमा के सामने रख दे। गणेश जी से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम शेयर करें। इसके बाद कलश में से नारियल निकाल ले और उसके ऊपर कपूर का एक टुकड़ा रख दे। अब इस कपूर को जला दे और नारियल को 3 बार घुमाकर एक थाली में रख दे। जब कपूर जलकर खत्म हो जाए तो इस नारियल को फोड़ दे और उसका प्रसाद घर के सभी सदस्यों को खिला दे। ऐसा करने से आपका भाग्य हजार गुना बढ़ जाएगा और आपके जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखें कि इस नारियल का प्रसाद घर के सदस्य के अलावा और किसी को भी ना दे।